ऐसे भी एक प्रणति है जिसे न दाएं से करना पड़ता है न बाएं से करना पड़ता है, उसका नाम चित्त है। निर्मित शुभ अशुभ दोनों समाप्त हो जाए उसका नाम शुद्ध उपयोग है। क्या हुआ पंडित जी? निर्ग्रंथ? ओह, मल उठाने के लिए खप्पर दूसरे होते हैं, मल उठाने के लिए खप्पर दूसरे होते हैं। मित्र, ग्रंथों की बातें नहीं करने वाला मुख अलग होता है। निर्गंध का मुख मल उठाने का खप्पर नहीं है। ए मित्र, तीन लोग के नाथ के मस्तिष्क पर स्वर्ण कलश से धारा छोड़ते जैसे, ऐसे मुनियों का जो मुख है ये वाणी जिनेंद्र की बिखेरने का मुख है, ये यहाँ वहाँ की बातें करने का मुख नहीं है। स्वर्ण कलश से शरद पंडित साहब, सुरण कलश से देव कुमार जी, सुरण कलश से प्रभु के मस्तक पर गंधोदक बनता है पानी ढालने पर। कोई भी ज्ञानी अभागा, कितनी पुण्यात्मा, कितनी पुण्यात्मा होगा वो भी अपने घर के सोने कलश को शौचालय लेके नहीं जाता। मऊ वाले भैया, आपके घर में भी शौचालय के डिब्बा अलग रखे हैं? कासलीवाल जी, रखे कि नहीं रखे? आपके संडास में, बाथरूम में अलग से डिब्बे रखे बे प्लास्टिक के अथवा सिल्वर के सामान्य, लेकिन स्वर्ण के कलश ये तो सजाए रखे हो। बोले कोई अतिथि गुरु मुनिराज आएंगे, उनके हाथ में पानी चलाएंगे स्वर्ण कलश से। मित्र, श्रियांश पंडित थे, श्रियांश पंडित सिबनी, उनके घर में भी एक सोने का कलश आज भी है। जब भी मुड़ जाए वो सबसे पहले बोले सोने कलश में पानी भरो। बोले क्यों? बोले तीन लोक का अभिषेक, निर्गंत गुरु को आहार कुपात्रों से नहीं होते, मालूम कुपात्रों से नहीं होते, लोहे से शूद्रों को भोजन कराया जाता है। मेरे मित्र, तीन लोक के नाथ का अभिषेक स्टील से मत करो, सोने के कलश से करो। यदि नहीं तुम्हारी सहमत तो चांदी से कर लो, नहीं सहमत तो तांबे से कर लो, लेकिन मेरे मित्र लोहे से मत करो। तो कलश करने का लोटा भी अलग होता ना, कलश करने का लोटा भी अलग होता है और शरीर का मल धोने का लोटा अलग होता ना। ऐसे हे मित्र, ये निर्गंतों का श्रीमुख जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, जिनके वचन मुख चंद्र ते, जोर से बोलो ना आप लोग, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, स्वर्ग के देवों के कंठ से अमृत झरता है। हे मित्र, वे अमर तो मर जाते पर जिन देव के वचन जो है निर्गंत गुरु के मुख चंद्र से जो अमृत झरता है वो ऐसा अमृत होता है क्योंकि जन्म मरण का क्षय करा देता है। इसलिए हे निर्गंथो, देश के किसी प्रदेश में आप चातुर्मास रखते हो, अपनी साधना रत हो, पर श्रावकों के बीच में जब आओ तो अमृत झराना, अमृत झराना, अमृत झराना। आम के वृक्ष की छाया के नीचे आप लोग कभी बैठे? आम के वृक्ष की छाया के नीचे कभी बैठे? वरगद की छाया के नीचे बैठे? पीपल की छाया के नीचे बैठे? ज्ञानी, पर आम की छाया की विशेषता क्या है मालूम भैया? आलोक मित्सम चंदू पुत्र, वो आम की जो छाया है वो शीतलता भी देती है और सुगंध भी देती है। धूप में चला आदमी, अचानक आम की छाया मिल जाए, विश्वास मानिए वो सब भूल जाता है, शीश महलों की याद भूल जाता है। शीश के महल छाया तो दे सकते हैं पर सुगंधित शीतलता नहीं दे पाते, विश्वास मानिए।
कोई ना कोई तो शीश महल में रह के आया होगा। शीश महल मित्र आपको छाया दे सकते हैं, उनमें सुगंध होगी तो बाहर की अगरबत्ती की होगी, उनमें सुगंध होगी तो कोई बाहर की धूप की चंदन की होगी, लेकिन स्वयं में सुगंध नहीं होती है। आम की वृक्ष जो छाया होती है वो कैसी होती है? सुगंधित भी होती है और शीतल भी होती है। ऐसे ही पंडित साहब राकेश भैया इन निर्गंतों के जो मुखकमल से निकली जो वाणी है वो आम की छाया के समान है, और विद्वानों के मुख से निकली जो वाणी है वो शीश महल की सुगंध छाया है। दोनों में अंतर देखना। विद्वानों के मुख से जो वचन निकल रहे हैं क्या है? शीश महल की छाया। छाया तो है, छाया को मना नहीं कर सकते आप, लेकिन सुगंधित नहीं है। क्यों नहीं है? सुगंधित नहीं है, शीतल नहीं है, क्योंकि वो छाया ही है, वो छाया ही है। और आम की वृक्ष की जो छाया है शीतल भी है और स्वयं में सुगंध है। ऐसे ही मुनिराज की होसन है, हे मित्र आम्र की छाया सुगंधित भी है और शीतल भी है। क्यों? क्योंकि सील की शीतलता है और चारित्र की सुगंध है। इसका नाम मेरे मित्र आम वृक्ष की छाया है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कुंद कुंड जैसे योगेश्वर ने जैनाचार्यों को शीश महल की संज्ञा नहीं दी कहीं। यानी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, किसी भी जैनाचार्य ने पूर्व आचार्यों ने मुनियों को शीश महल की उपमा नहीं दी। महात्मा आचार भक्ति में मुनिराज के लिए आचार्य परमेश्वर के लिए वृक्ष लिखा। वृक्ष है कोई पंडित? पूरा बोलो ना। हाथ है आपके पास? पिच्छी भी आपके पास? हाँ, अब बोलो अच्छे से, सब मिलकर बोल दो। सुन, सारस सागर जी आचार्य भक्ति का श्लोक सुना रहे, छंद सुनिए आप। ये आर्या छंद है। मुनिगण भेगा किरणा माचार माँ ध्रुवम बंदे। सुनो भैया, सुनो 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 सुनो। मुनिगण बेहगा कीड़ा, मुनिगण वेगा कीड़ा माचार्य माँ ध्रुवम बंदे। भद्रभाव स्वामी उनके पूर्व वृषभ सेन से लेकर के गौतम स्वामी पर्यंत सब आचार्य हैं। गर्धर गर्धर ये सब आचारत्व का निर्वाह करते। मित्र इस चौबीसी में कासलीवाल जी जो गर्धरों की संख्या है वृषभ सेन से लेकर के गौतम स्वामी पर्यंत 1452 गर्धर हैं। कितने? 1452 गर्धर प्रविष्ट हुए। नमो वृषभ सेनादि गौतमांत गणेश ने मूलोत्र गुणाढ्य सर्वस्व मुनि नमा। मंच बोले ब्रह्मचारियों का। देखो भैया, आपका दाना मैं व्यर्थ नहीं जाने दे रहा हूं, अपना काम मैं कर रहा हूं। अब इनका काम कितना है? एक बार पुनः बोलिए आप। इंजीनियर साहब, आपने जब स्लेट पर पढ़ते हो कितने साल हो गए? स्लेट पर पढ़ते थे कितने वर्ष हो गए? हैं? अनिल भैया कितने वर्ष हो गए? हैं? अच्छा, 38 साल आपको हो गए, उनको तो और ज्यादा हो गए होंगे, 62 वर्ष हो गए। पर मित्र मैं आज तक भी स्लेट पर पढ़ता रहता हूं।
हाँ आप आश्चर्य मत करना, 3 बजे आना, मैं आपको दिख जाएंगे स्लेट पे पढ़ते आए थे। तो मैंने निर्णय किया है, भले लोग मुझे स्लेट पर पढ़ते देखें, पर आपको मैं ज्ञानी साधु देके जाऊंगा। सिद्ध वर्ण स्मामनाया, क्योंकि आचार्य विराग सागर, आचार्य विद्या सागर, इन दोनों के आशीर्वाद तो मेरे सिर में भरे रखे हुए हैं, आचार्य विमल सार का हाथ रखा हुआ है। और उन्होंने मात्र ये कहा था, बालक जिन शासन की प्रभाव न करना, क्योंकि मुझे मालूम है जो फूल खिलेगा उसमें फल आएंगे कि नहीं आएंगे। फूल खिलता है भैया, उसमें फल आते हैं। अरे पुष्प, तेरे से मुझे कुछ कहना है, ऐसा आप बोलो, हे पुष्प तेरे से मुझे कुछ कहना है, फल लगेंगे तब तुम झर जाएगा। आ हा हा हा, क्या हो गया, अचानक चेहरा क्यों गिर गया केसर किंग? फल लगेंगे तो पुष्प गिर जाएगा। हे पुष्प, मुझे निश्चित मालूम है तेरे अंदर फल आएंगे, लेकिन जब तक फल नहीं आए हैं तब तक तुम ऐसे महको कि मुरझाए चेहरे तुझे देख करके खिल जाए। ऐसे हे ज्ञानी, जितने धरती पे विचरण कर रहे धरती के देवता, ये साधु महात्मा, इन सब से मेरा कहना है, तुम सरोवर में खिले कमल जैसे रहो, कमल गट्टे तो आएंगे, और मित्र आम की मंजरियों जैसे तुम महको, आम की मंजरियों जैसे महको, आम तो लगेंगे। ऐसे नवीन मुझे मालूम, शुद्ध मालूम है, पूर्ण सत्य मालूम है कि मोक्ष तो मिलेगा, फल तो लगेगा, और जब तक फल नहीं लगा है इस चारत के फूल को इतना महकाओ कि जो बेचारे सूख रहे उनके चेहरे भी खिलने लग जाए। फूल खिला होता है पापड़ी बाल, वो बेचारा सोच रहा आज मैंने क्या अपराध कर दिया, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है। ओह, अब तो उसको आदत लग गई भैया नाम सुनने की। पारस भैया, फूल खिल रहे हैं, लेकिन बाल बागबान माला बना के लाया और तुम्हारे गले में किसी ने डाल दिया तो अलग से तेरा चेहरा चमकता। हो क्या चेहरा चमक रहा है, यानी पुष्पों से दूसरे का कंठ शोभायमान होता, पुष्पों से दूसरे कंठ शोभायमान होता है मात्र चंद क्षण के लिए, पर वागीश्वरी मां जिनवाणी के नियोग से मेरे मित्र एक कंठ चंद क्षण के लिए नहीं, जीवन पर्यंत स्वाभाविक सुशोभित होता है वो अगला भाव मोच फल देता है। बिठालता हूं, टेंशन नहीं लेना। मुनिगण भेगा किरणा, एक विशाल वृक्ष, शाम का समय होता है, आपने देखा होगा कितनी सुंदर सुंदर पक्षी, भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि वैशाली, पटना गया के पास में है वैशाली, जरूर जाना चाहिए आप लोगों को वैशाली। वहां पर बहुत बड़ा विशाल, कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के समय से जैसे प्रयागराज में इलाहाबाद में अक्षय वट वृक्ष है, वो वही परंपरा में चला है जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर ऋषभदेव ने दीक्षा धारण की थी। ऐसे ज्ञानी वैशाली में वो वट वृक्ष है जहाँ कवि भगवान महावीर की वाणी खिली होगी, वो वट वृक्ष वहां पर है, पीपल का वृक्ष। वहां पर उस पीपल पर इतने पक्षी आके बैठते थे, यादें सुब्र सागरी सुबह से कितनी सुंदर सुंदर आवाजें करते थे वे सारे पक्षी बैठ करके, बहुत आनंद आता था। विषय पकड़ना, बहुत आनंद आता उन पक्षियों के शब्दों को, विषय पकड़ना शब्द न, उन पक्षियों के शब्दों को इंजीनियर साहब, इतना आनंद आता था। सुबह से 5 बजे उनकी आवाज शुरू हो जाती थी, मित्र पक्षियों की अभासात्मक भाषा, पक्षियों की अभासात्मक भाषा
जब इतना आनंद देती है इन निर्गंत योगियों की भाषात्मक भाषा, सुबह से जब प्रभु की भक्ति का गुणगुनाते लगते हैं, जब इनके श्रीकंठ से देवानंद भूयाने साम्रादि भूत्या माया सभी दृश्यंते नास्तमस्नोमान ऐसे सूत्र बोलते हैं, तब मैं सोचता हूँ वो वृक्ष कितना खुश होगा जिस पर हजारों पक्षी बैठे, मैं भी खुश होता हूँ इतने मुरझाज मेरे साथ। मुनिगण बेगा कीड़ा, मुनिगण वेगा कीड़ा, वेहक का अर्थ होता पक्षी, आकीर्ण यानी युक्त, जैसे वृक्ष पक्षियों से सुशोभमान होता है, सुशोभित होता है, शोभमान होता है, ऐसे आचार महाध्रुव मंदे में आचार परमेश महावृक्ष है जो मुनिगण रूपी पक्षियों से शोभमान होते हैं। अब बोलो ज्ञानी, शीश महल नहीं लिखा, क्या लिखा? वृक्ष विराजो आप लोग, वृक्ष। तो जैसे वृक्ष की शीतल छाया होती है, इसलिए आचार्यों ने शीश महल की व्याख्या न देकर के वृक्ष की व्याख्या की है। ये बीतरागी श्रमण आचार्य भगवंत रितेश एक सुंदर वृक्ष है, सुंदर वृक्ष है। शीश महल के नीचे बैठोगे, कहीं शीश कांच टपक गया, आगे का मुझे कुछ नहीं कहना, कांच टपक गया तो फिर आप जान लो क्या होता है। लेकिन लेकिन आम के वृक्ष के नीचे बैठे और उसी समय भाई तुझे भूख लगी और तूने अपना पोटली खोली, टिपन खोला और सोच रहा था तना खट्टा और होता तो अच्छा लगता, और ऊपर देखा वहाँ से अचानक आम टपक गया, हे मित्र तेरा भोजन भी हो गया और छाया भी मिल गई। शीश महल के नीचे कांच गिरेगा तो लू लुहान हो जाएगा, रक्त बह जाएगा, और वृक्ष के नीचे बैठेगा तो छाया भी मिलेगी, शीतलता मिलेगी, सुगंध भी मिलेगी और खाने को फल भी मिलेगा। इसलिए मेरे मित्र विषय कसायों के शीश महल में बैठे लोगों के साथ प्रतीक मत बैठो बेटा, बैठना चाहो तो कहाँ, वृक्ष के नीचे बैठो जहाँ फल भी मिलता है, हवा भी मिलती है और मित्र शीतल सुगंधित वायु भी मिलती है। इसलिए सोनू आसे शीश महल का त्याग कर दो।